ठहरो, कहाँ जा रहे हो? मुझे बादशाह सलामत से मिलना है। तुम्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं है। माफ करना, लेकिन बादशाह सलामत से मिलना मेरे लिए बहुत जरूरी है। जिद ना करो और चले जाओ यहाँ से। मेरी बात को समझो और मुझे अंदर जाने दो, मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार रहूंगा। क्या काम है तुम्हें बादशाह सलामत से? मैंने बहुत सारे गरीबों की मदद की है, तो इससे खुश होकर अकबर बादशाह मुझे मुंह बोली इनाम देना चाहते हैं। ठीक है, तुम्हें एक शर्त पर अंदर जाने दूंगा। कौन सी शर्त? तुम्हें जो भी इनाम मिलेगा उसका आधा मुझे देना पड़ेगा। ठीक है। बादशाह सलामत, ये आपसे मिलना चाहता था। कहो, क्या कहना है? शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं वही हूँ जिसने गरीबों की मदद की। अरे हाँ, याद आया, बहुत अच्छा काम किया है तुमने। मांगो, क्या मांगना है? तुम्हें मुंह बोली कीमत मिलेगी। मैं चाहता हूँ कि मुझे गर्म लोहे से 100 मर्तबा मारा जाए। अरे ये क्या कह रहे हो तुम? बादशाह सलामत के घर में हो, कुछ अच्छा मांगो। गुस्ताखी माफ बादशाह साहब, लेकिन मैं गर्म लोहे से 100 मर्तबा मार खाना चाहता हूँ। ठीक है, वादे के मुताबिक तुम जो चाहते हो वो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन तुम्हें ये बताना पड़ेगा कि तुम इनाम के तौर पर मार क्यों खाना चाहते हो। मैं जब आपके दरबार में आ रहा था तो ये मुझे अंदर आने से रोक रहा था, फिर इसने मुझे बोला कि मैं तुम्हें एक ही शर्त पर अंदर जाने दूंगा, अगर तुम मुझे आधा इनाम दोगे तभी। ये मैं क्या सुन रहा हूँ सीताराम, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे माफ कर दे बादशाह सलामत, मुझसे गलती हो गई, मैं लालच में आ गया। मैं एक मुस्लिम को माफ कर सकता हूँ, लेकिन एक भरोसा तोड़ने वाले को नहीं। अब तुम्हें आधा इनाम नहीं, पूरा इनाम दिया जाएगा। इसे ले जाओ और अच्छे से गर्म लोहे से 100 मर्तबा मारो। तुम बहुत बुद्धिमान हो, नाम क्या है तुम्हारा? मैं बिरबल हूँ। तुमसे मैं बहुत खुश हूँ, तुम्हारे जैसे लोगों की मेरे दरबार में बहुत जरूरत है। क्या तुम मेरे दोस्त बनकर रहना चाहोगे? जी जरूर। तो मैं ये ऐलान करता हूँ कि बिरबल भी आज से इस महल में रहेगा। और इस तरह से अकबर और बिरबल एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं।